हे गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टार्ट एंड्रॉइड पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रीम इलेवन जैसे एप्लीकेशन बनाने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों देखिए, अगर आप उस एप्लीकेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि आपके पास 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, 30,000 रुपये है या 1,00,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, उस एप्लीकेशन बनाने में इतने सारे कैसे पैसे खर्च हो सकते हैं, क्या उस एप्लीकेशन बनाने में हमारा 1,00,000 रुपये जाएगा, 50,000 रुपये जाएगा, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उस एप्लीकेशन पे, दोस्तों इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में पूरा नॉलेज मिल जाएगा। और दोस्तों देखिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ ऐसे एक दो पॉइंट कवर करने वाला हूँ जो आपको शायद तक पता नहीं होगा। दोस्तों मान लीजिए आपने कोई ड्रीम इलेवन से एप्लीकेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको पता है कि ड्रीम इलेवन से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं रहता है, और उनकी एक वेबसाइट रहती है जहाँ से वेबसाइट उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जाता है। डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है। और दोस्तों उसको यूज़ किया जाता है, आपको पता ही होगा कि पूरा जो ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन है पूरा बैटिंग एप्लीकेशन है, पूरा क्रिकेट का एप्लीकेशन है जिस पे लाइव क्रिकेट चलता है। आप उस पे बैटिंग लगाते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, जितना भी आप सब पे बैट लगाना चाहे आप उन पे बैट लगाते हैं, और जो विनिंग होता है दोस्तों आपको उसका पैसा आपको मिल जाता है, विड्रॉल करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको उसको पूरा फ्लो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन अभी ना जाने कितने सालों से चल रहा है, तो आपको उसके बारे में पता ही होगा कि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मतलब कैसे यूज़ किया जाता है ये आपको मुझसे ज़्यादा ही बेटर पता होगा। लेकिन दोस्तों उस एप्लीकेशन को बनाते समय आपका कितना बैलेंस आता है, आपकी कौन सी API उसमें बाय करनी पड़ती है, हाँ API बाय करनी पड़ती है, आपको दोस्तों पता है कि उसमें हर एक महीने के बाद आपको कंपलसरी API की पेमेंट करनी पड़ती है, कि आपको पता है, ठीक है? नहीं पता होगा दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ड्रीम इलेवन से एप्लीकेशन दोस्तों इस टाइम पे ना जाने कितना पैसा कमा रहा है। वन टाइम मेरे ख्याल से वन डे का उसका जो इनकम है और सीयर के भी ऊपर है वो, मतलब करोड़ों के भी ऊपर उसकी दिन की ट्रांजेक्शन होती है दोस्तों, क्योंकि उनका एप्लीकेशन बना कम सस्ते में लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी है और जो उसके डिज़ाइन है काफ़ी बेटर है, कभी लैग नहीं करता एप्लीकेशन, और उनने ना जाने कितना सारा प्रमोशन किया है, प्रमोट किया उस एप्लीकेशन को, तो जाके दोस्तों वो पर डे का इतना कर सकते हैं, पर डे का CR में इनकम कर रहे हैं पर डे, क्योंकि उनने इतना प्रमोशन किया है, इतना उस एप्लीकेशन पर खर्चा किया जिसके कारण वो डेली इतना इनकम कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे हैं कि सेम एज़ अगर हम ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन बनाते हैं, मान लीजिए आप बैटिंग एप्लीकेशन ही बनाते हैं, तो आपको कितना खर्चा आएगा? दोस्तों देखिए, उसका पहली बात तो ये है कि टैम्पलेट बेस नहीं मिलता है। अगर दोस्तों आपको कोई टैम्पलेट बेस दे भी रहा, कोई डेवलपर दे रहा होगा, तो उस टैम्पलेट बेस के बाद देख लीजिए कि उसमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, स्लो नहीं चल रहा है, कि मैं उस एप्लीकेशन बनाऊंगा तो मेरे लिए यूज़फुल रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा जो बैलेंस मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कहीं वो वेस्ट ना हो जाए, एक बार उससे जरा कैरी कर लीजिएगा। यानी कि दोस्तों जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ वो टैम्पलेट बेस नहीं है, वो पूरा ही रिक्वायरमेंट बेस है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक थोड़ा सा हिंट भी दिखा दूंगा और उसके बारे में ये भी बताऊंगा कि उसकी API कैसे बाय की जाती है, उसकी API की प्राइस क्या होती है। तो लास्ट में दोस्तों ये मैं दो चीज़ आपको जरूर दिखाऊंगा। मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन बनाया ड्रीम इलेवन का, दोस्तों अगर हमसे बनवा रहे हैं या किसी भी डेवलपर से बना रहे हैं, हम तो दोस्तों इस टाइम पे 82-1 लाख या 1.5 लाख रुपये चार्जेस ले रहे हैं। अगर दोस्तों आपको उस एप्लीकेशन के बारे में अगर कुछ डिज़ाइन देखना है तो आप पूरा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर फ़ोन कीजिए, मेरे स्टाफ लोग आपको पूरी की पूरी उसकी जानकारी दे देंगे। आप मान लीजिए, अब तो हम बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन को बनाते समय आपकी क्या क्या लिस्टिंग है, उसका जो बैलेंस पे करते हैं वो कैसे यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख का एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, ठीक है, ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन बना रहे हैं, 1 लाख का आपका एप्लीकेशन रेडी हो रहा है, तो ओके दोस्तों आपको पता है क्या उसमें जो लाइव डाटा चलता है, जो क्रिकेट की जो API बाय की जाती है, वो आपको हर एक महीने पे बाय करना पड़ता है, ना कि वन टाइम पे आपने पेमेंट कर दिया और आपको उसके बाद कुछ पेमेंट नहीं करना, ऐसा नहीं है दोस्तों। ड्रीम इलेवन ऐसा एप्लीकेशन जब बनवा रहे हैं आपको उस एप्लीकेशन का भी चार्जेस पे करना पड़ता है। सेकंड ये रहता है जो उसकी API जो चलती है, जो क्रिकेट जो लाइव चलता है, उसका भी दोस्तों आपको हर महीने 8 से 12 हज़ार रुपये आपको पे करना रहता है। और क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि पूरा लाइव डाटा रहता है, वो पूरा लाइव ही डाटा रहता है, पूरा जिसकी API रहती है पूरी की पूरी लाइव रहती है, जिसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। एक वेबसाइट है जहाँ से API को बाय किया जाता है, मान लीजिए क्रिकेट का हो गया, कसिनो हो गया, चाहे कैरम हो गया, इसकी सारी API बाय की जाती है, जो एकदम रियल डाटा में वहाँ पे आपको फेच होता है, जो पूरा रियल डाटा में ही चलता है, जो लाइव चलेगा वो आपके एप्लीकेशन में चलेगा, डेट टाइमिंग वाइमिंग आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ से वेबसाइट वहाँ सब जो API बाय करेंगे 12,000, वहाँ पे पूरा एक प्लान शीट है, जैसे आप सिम का रिचार्ज करते हैं ना कि एक महीने में क्या क्या मिल रहा है आपको, अगर 2-3 महीने का रिचार्ज करें तो उसमें फीचर्स क्या मिल रहे हैं, सारा का सारा पूरा ऐसा प्लेन आउट है। मैं आपको लास्ट में एक शीट भी दिखा दूंगा कि कौन सी वेबसाइट से पूरा प्लान कैसा रहेगा, कितने का प्लान रहेगा, वो मैं आपको लास्ट में पूरा शीट ही दिखा दूंगा कि इतने का अगर बाय कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। मान लीजिए दोस्तों आपको 8,000 का आपने प्लान बाय किया, API आपने बाय किया, तो आपको API मिल जाती है, 8 दिन के लिए फ्री रहता है डेवलपर के लिए, डेवलपर 8 दिन के लिए उस पर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 8 दिन के लिए वो फ्री देते हैं।
और उसके बाद जो पूरा रियल डाटा रहता है उसको पूरा इंप्लीमेंट किया जाता है आपके कोड के अंदर, जो वो तो आपको कोड दे देंगे उसको कोडिंग की जाती है, इंप्लीमेंट करके आपके एप्लीकेशन में इनबिल्ट किया जाता है, जिसके कारण आपका एप्लीकेशन रन करता है। देखिए फर्स्ट आपका एप्लीकेशन पर खर्च हो रहा है, सेकंड ये आपका API जो बाय करनी पड़ेगी हर महीने 8 से 12 हज़ार आपको दोस्तों पे ही करना है, चाहे वो कोई भी डेवलपर क्यों ना बोल रहा हो। थर्ड क्या हो गया आपकी होस्टिंग, होस्टिंग दोस्तों देखिए नॉर्मल बाय कीजिएगा। नॉर्मल में क्या होता है आपका एप्लीकेशन पर अगर ज़्यादा बल्क में यूज़र आते हैं तो एप्लीकेशन स्लो हो जाता है, जिसके कारण उससे कोई मज़ा नहीं आता है, कोई यूजर्स टिकता ही नहीं है। आप जब इतना बैलेंस इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं तो AWS का सर्वर यूज किया जाएगा जो पोस्टपेड रहता है, स्टार्टिंग में वो फ्री देते हैं, उसके बाद आपको अगर ज्यादा यूजर आ रहे हैं 1,000 पे 2,000 पे 3,000 पे 4,000 पे जैसे आपके यूजर्स रहेंगे उतना आपको उस पर पेमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट हो गया आपका क्या एप्लीकेशन खर्चा, सेकंड आपका जो कंपलसरी है वो आपकी API होगी, थर्ड आपका होस्टिंग का खर्चा हो गया, फोर्थ आपका डोमेन कौन सा बाय कर रहे हैं। ये चारों चीज़ें दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है जिसके कारण इस एप्लीकेशन बना सकते हैं। कोई डेवलपर 80,000 पे लेता है, कोई डेवलपर 70,000 पे लेता है, वो डिपेंड करता है कि उस एप्लीकेशन बनाने में वो क्या क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस पर क्या क्या मतलब यूज़ कर रहे हैं, किस टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना चार्जेस ले रहे हैं। ना जाने दोस्तों आपको इतने कितने सारे डेवलपर मिलेंगे जो आपको एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझसे बनाए, किसी भी डेवलपर से जब आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उनसे बस ये चार ही चीज़ पूछेगा, सर एप्लीकेशन में कितने बन रहे हैं, सेकंड चीज़ ये आप उस पर API कौन सी बाय करने वाले हैं, थर्ड ये रहेगा सर उस पर डोमेन और होस्टिंग, ये सब चीज़ें बाय पता कीजिए, उसके बाद ही एप्लीकेशन बनाइए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों जब जहाँ आप ज़्यादा पैसा पे करते हैं एक बार क्या अगर लॉस हो जाता ना तो आपको वहाँ पर खलता भी है कि हाँ मैंने इतना पे भी कर दिया है मुझे उससे कुछ इनकम नहीं हुआ है। तो इसके बारे में इसी बस थोड़ा बताना चाहता हूँ, कभी भी पे कीजिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई भी एप्लीकेशन बनाने के बारे में सोचिए। और दोस्तों कभी भी मैं हर एक अपने ऐप वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन 10 रुपये का क्यों नहीं बना रहे हो, चाहे वो 1 लाख का एप्लीकेशन क्यों ना बना रहे हो, जब तक आप दोस्तों एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं करेंगे, एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं करेंगे तब तक दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे वीडियो स्टूडियस का एप्लीकेशन हो, चाहे टिकटॉक का एप्लीकेशन हो, चाहे ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन हो, जब तक आप उस एप्लीकेशन को प्रमोशन या लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा मेरे भाई आपने एप्लीकेशन बनाया है। तो जितना पैसा आप एक एप्लीकेशन बनाने में रखते हैं उतना थोड़ा सा बैलेंस रखिए, या पैम्पलेट बांटिए। ना मैंने प्रमोशन के बारे में कितने सारे आपको आइडिया दिए हैं, उस आइडिया को फॉलो कीजिए, प्रमोट कीजिए आप एप्लीकेशन को कि लोगों तक पहुंचे, तो जाके दोस्तों आपको उतना इनकम हो पाएगा। दोस्तों चलिए मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूं कि जो शीट रहती है API जो बाय करने की शीट रहती है उसका मैं आपको लुकआउट दिखाता हूं कि API का कैसे बाय किया जाता है, उसकी प्राइस वैल्यू क्या रहती है। दोस्तों ये चलो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं, तो दोस्तों चलिए देखिए। तो दोस्तों ये देखिए मैंने वेबसाइट यहाँ पे सर्च किया है, और ये देखिए वेबसाइट यहाँ पे मैं आपको लिख के दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दोस्तों मैं आपको वेबसाइट भी दे दूँगा entitysports.com, ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको API यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक भी दे दूँगा, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये देखिए क्रिकेट का हो गया, यहाँ फुटबॉल का हो गया, बास्केटबॉल, और यहाँ पे कबड्डी, ये आपका ये पूरे क्रिकेट हो गया, ठीक। मतलब ये पूरा आपका यहाँ पे पूरा कौन सा गेम आपका आप बाय करना चाहते हैं, किस गेम के लिए आप API बाय करना चाहते हैं, ये आपके यहाँ 4 गेम दिख रहे हैं। उसके नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर आप एक मिनट मैं क्रिकेट पे क्लिक करके दिखाता हूँ, मैंने क्रिकेट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। मैंने अभी क्रिकेट का हमें API चाहिए, तो यहाँ पे लिख के क्या आ रहा है, क्रिकेट API प्लान, ठीक है। यहाँ पे क्रिकेट का आपको API आपका पूरा प्लान मिल जाएगा। इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो दोस्तों आपको यहाँ पे सामने क्या देखने मिल रहा है, स्टार्टर प्रो इलाइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं $100 का दोस्तों मल्टीप्लाई बाय कर लीजिएगा, अभी हमारे इंडिया में क्या डॉलर का प्राइस चल रहा है, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई बाय कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रो का देख लीजिए और यहाँ पे इलाइट का देख लीजिए, $100, $200, $350 चल रहा है, ठीक है। अब ये पूरी क्रिकेट का ही यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अब ये देखिए $100 अगर बाय करते हैं तो मैच फॉर्मेट आपको क्या मिलता है, टेस्ट ODI T20I। अब देखिए ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कवरेज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस सब मिल जाएगा। मैचेस SS में क्या दिख रहा है आपको, ऑल मैचेस यहाँ पे सिंस 2016, उसके बाद ऑल API SS मिल जाएगा। ये देखिए ये पूरा आप एक बार रीड कर सकते हैं। API सेल आपको कितने मिल रहे हैं, यहाँ 5 लाख हो गए। API फॉर्मेट JSON में मिल जाए आपको, डिलीवरी क्या मिल रही है, API फुल आपको यहाँ पुल मिल रही है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे बाय करना चाहेंगे यहाँ पे आपको सब इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे गेट दिया है, यहाँ पे गेट का दिया है, और यहाँ पे देखिए गेट दिया है, और यही पूरा प्लान है। अगर आपको देखिए दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं अगर इन चारों बना रहे हैं, ये देखिए इनकी API आपको कंपलसरी ही बाय करनी पड़ती है, क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल कबड्डी इनकी, क्योंकि इसलिए बाय करना पड़ता है। ये जो भी प्लान चलता है दोस्तों ये पूरा रियल डाटा चलता है। ये आपको देखिए मंथली का प्लान बता दिया मैंने आपको, अब यहां पे एनुअल दिया है, यहां पे मैं क्लिक करके दिखाता हूं।
ये देखिए यहाँ पे अगर 1 साल का दोस्तों आप बाई करते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर दोस्तों आपको $1,000 पे करना पड़ता है, और यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे इलाइट का 3,500। लेकिन जो इसके फीचर्स भी रहते हैं दोस्तों, आपको फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए एपीआई कॉल्स यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 5 लाख। अगर आप यहाँ पे प्रो पे बाय करना चाहते हैं यहाँ पे 10 लाख हो जाता है, और यहाँ पे अगर दोस्तों इलाइट पे आते हैं यहाँ पे 20 लाख हो जाता है, और बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे तो कॉमन ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एपीआई का पूरा आपको यहाँ से डाटा मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा कि आप खुद से भी एक बार चेक कर पाएँ।